टाइम का जरूर है कि इस्लामाबाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी इस्लामाबाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही माने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों को अपने भ्रम के मकरजाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक संविधान प्रमुख राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अपराधिक रूप में वोट देने के लिए मजबूर करती है। जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के क्रम गिर जाके पूजा करता है क्योंकि उसी जात का है और द्रौपदी मुर्मू जी को इसलिए रोक दिया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ ये बर्ताव होता क्या? हिंदू नहीं मानते हम, भले पागल होकर के हिंदू के नाम पे मरे लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर्चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही गत्ता लेती थी जब राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे तो वहां के तथाकथित पंडित ने अंदर जाने से रोक दिया। नतीजा हुआ रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के पास से अभिवादन करके वापस आना पड़ा क्योंकि वो दलित समाज के थे। इसलिए आदिवासी नहीं तो पिछड़े समाज के लोग धोखे मत रहना, तुम उनके लिए खून बहाओ, तुम अपने लिए होटल सर कटा दो, तुम अपने सदस्यों में शामिल कर दो लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें नीच मानते हैं, अधम मानते हैं और अपमानित करने के लिए आपको आपको अपमानित करना और अपना धर्म मानते हैं। इसलिए आप धोखे मत रहना। यही उत्तर प्रदेश है जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पर से हटे तो मुख्यमंत्री आकाश कालिदास मार्ग को यही सत्ता नशीन लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन सरकार चलाने वाले लोग उसको पहले गोमूत्र से धुले, उसमें भी उनका पेट नहीं भरा, गंगा जल से धुले क्या? अगर ब्राह्मणी व्यवस्था का नंबर एक का वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो क्या किसी की हिम्मत पड़ती क्या उसे गोमूत्र में लुटेगा? इसे धुला गया। अखिलेश यादव पिछड़े समाज में पैदा हुए, आदिवासी दलित या पिछड़े ये कौन है जिसको पहले शूद्र कहकर के जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया करते थे?
जिसको आप हिंदू धर्म कहकर के दीवाने और पागल होकर के अपना सब कुछ लुटा देते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा देते हो, खून बहा देते हो, शिर्क करा देते हो, ये तुम्हारी नादानी है। सावधान रहना, जिसको आप धर्म मानते हो वो एक का धंधा है। आपके लिए धर्म हो सकता है लेकिन इनके लिए धंधा है, इनके लिए धंधा है लेकिन आपके लिए धोखा है, इसे सावधान रहना।